सो है व्हाट्स अप गाइस, उमेश हियर फ्रॉम टेक मेंटर। तो आज के स्टूडियो में बात करने वाला हूँ लीजन ओएस के बारे में, जो कि मैंने इंस्टॉल कर ली है मेरे रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप देख सकते हो बूट एनिमेशन। बूट एनिमेशन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है इस रोम का। तो जो डिवाइस है वो बूट हो रहा है। अच्छा, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ लीजन ओएस के अंदर आपको कौन कौन सी नई चीजें देखने को मिलती है, कौन कौन सी सेटिंग्स देखने को मिलती है, और क्या ये आपको डेली ड्राइवर यूज करना चाहिए या नहीं। डिवाइस के अंदर रैंडम रिबूट की जो है प्रॉब्लम आती है या नहीं, और डिवाइस के अंदर आप बैंकिंग एप्स यूज कर सकते हो या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें इसके सेटिंग्स की, तो यहाँ पे आप देखते हो अबाउट फोन के अंदर, यहाँ पे आपको फर्मवेयर इन्फो की बात करते हैं, यहाँ पे आपको लीजन वर्जन 3.13 देखने को मिलता है। मेंटेनर अननोन बता रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ एंड्रॉइड वर्जन जो 11 देखने को मिलता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट आपको 5 सितंबर 2021 का देखने को मिलता है। बाकी कर्नल वर्जन आप देख सकते हो, आपको एथेरियस कर्नल वर्जन देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का आपको होम स्क्रीन देखने को मिलता है इस रोम के अंदर, जो कि बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे वर्क करता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है गूगल का डिस्कवर पेज देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे आगे बात करें तो डिवाइस सर्टिफाइड है या नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो, जिसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। और यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन, तो आप देख सकते हो डिवाइस जो है वो यहाँ पे सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार में आपको कुछ चेंज देखने को मिलता है, तो कुछ इस प्रकार का स्टेटस बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देखते हो आपको कुछ इस प्रकार की जो है टाइम देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको जो एसेंट कलर है आपको येलो देखने को मिल जाता है। इसको आप चेंज कर सकते हो सेटिंग से। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नए टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्लिप मोड, अगर आप इसको टर्न ऑन कर देते हो तो इसको टर्न ऑन करने के बाद आपका डिवाइस का वाईफाई, आपको ब्लूटूथ और आपके जो भी सेंसर्स है वो सारे टर्न ऑफ हो जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बात करें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको ये कुछ आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको गूगल कैमरा गो देखने को मिलता है, जो कि आपको पता है बिल्कुल लाइट जो है आपको वर्जन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट बात करें इसकी कॉलिंग की, तो कॉलिंग के अंदर आपको यहाँ पे आपको कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ सेफ्टी नेट पास है या फेल है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप बैंकिंग ऐप्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेफ्टी नेट बिल्कुल पास है, आपको डिवाइस रूट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा डिवाइस जो है वो अनरूटेड है अभी। तो बात करें गीकबेंच स्कोर की, तो गीकबेंच स्कोर इस रोम को यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल कोर 551 देखने को मिलता है, मल्टी कोर स्कोर आपको 1516 देखने मिलता है, जो कि आप देख सकते हो सामने स्क्रीन के अंदर। तो ये आपको गीकबेंच स्कोर इस रोम का देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स का यूआई कम्प्लीटली चेंज यहाँ पे इस रोम में देखने को मिलता है। तो देख सकते हो आपको काफ़ी वन यूआई जैसे यहाँ पे आपको फील देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन सेटिंग्स की, तो सबसे पहले बात करें लीजन सेटिंग्स की, तो ये आपको एक्स्ट्रा सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर जाने के बाद आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्विक सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो इस रोम के अंदर। काफ़ी अच्छी बात ये है कि जो भी आपकी सेटिंग्स है उसको एक हेडिंग से सेपरेट कर दिया गया है, जिससे जो है काफ़ी जो भी आपकी सेटिंग्स है वो एकदम वेल अरेंज्ड यहाँ मैनर में आपको देखने को मिल जाती है, जिससे आप हर एक सेटिंग्स को आसानी से यूज़ कर पाते हो और यहाँ पर आपको वेल अरेंज तरीके में देखने को मिल जाती है। बात करें यहाँ पे स्टेटस बार सेटिंग्स की, तो ये जो आपको स्टेटस बार आइटम्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप स्टेटस बार के जो आइकन्स हैं उनको यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हो। बाकी बात करें यहाँ पे और भी आपको स्टेटस बार की यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको थीम्स के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप यहाँ से थीम जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो भी आपको थीम पसंद है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको काफ़ी सारे लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन जेस्चर्स, इसके अंदर आपको ये कुछ सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाती है इस रोम के अंदर। तो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर की बात करें, तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आप ग्रिड चेंज कर सकते हो और क्लॉक यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये बाकी रोम की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार की आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाती है।
बात करें यहाँ पे डबल टैप टू बैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फुल स्क्रीन ऐप्स का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी सारे लोगों को ये जो है सेटिंग से यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है। बात करें डार्क थीम का, उसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। बाकी आपको फ़ोन साइज़, डिस्प्ले साइड और ये जो विड्थ है इसका ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे ऐप लॉकर देखने को मिल जाता है। बात करें फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ फेस लॉक की बात करें तो फेस लॉक भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आगे बात करें, इसमें Xiaomi पार्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप MIUI साउंड एनहेंसर यूज़ कर सकते हो। आपके जो हेडसेट है उसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आप हेडफोन्स। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन देखने मिल जाता है, और काफ़ी सारे क्लियर स्पीकर वगैरह यहाँ पे आपको Xiaomi पार्ट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर OT अपडेट्स का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पर रिफ्रेश करके ट्राई कर सकते हो कि न्यू अपडेट है या नहीं, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो डायरेक्टली। तो काफ़ी अच्छी बात है, इस रोम में आपको ये देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ से आप जेस्चर्स चेंज कर सकते हो, अगर आपके जो नीचे बटन्स आप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से सिस्टम नेविगेशन से यूज़ कर सकते हो यहाँ से। तो इस प्रकार से आप नेविगेशन चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस रोम के अंदर। रोम काफ़ी स्मूथ है, बिल्कुल परफेक्टली जो है रोम वर्क करती हुई देखने को मिल जाती है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और लैग या फिर आपको कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो रोम है वो वर्क करती हुई आपको देखने को मिल जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे टेगमेंटर चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सी रोम का रिव्यू चाहिए वो आप कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपको कैसे लगी वो भी आप कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।